दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से टेलीप्राइम के 4.1 वर्जन के अंदर जीएसटी क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके अंदर आप बहुत सारे आइटम सेल करते हैं और इसके अंदर आपको प्रॉब्लम ये होती है कि जितने भी आइटम्स आपके पास हैं उन सभी आइटम्स के जो एचएसएन कोड्स हैं वो सभी डिफरेंट हैं और जीएसटी नंबर कुछ आइटम्स के सेम है और कुछ आइटम्स के अलग हैं। तो आप किस तरीके से टेलीप्राइम के अंदर इसको मैनेज करेंगे जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े, तो इसे प्रैक्टिकल तरह से एक बार समझाने के लिए मैं आपको एक बार अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एक कंपनी ली है एबीसी स्टैचू प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जो जीएसटी क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से है। जैसे मान लीजिए ये कंपनी स्टैचू सेल करने का काम करती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पास तीन तरह के मटेरियल हैं जिसमें ये स्टैचू को सेल करती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला मटेरियल है वो है फाइबर, दूसरा मटेरियल आप यहाँ पर देख सकते हैं वो है मेटल और तीसरा मटेरियल आप यहाँ पर देख सकते हैं वो है स्टोन। तीनों ही आइटम्स पे अलग अलग जीएसटी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जैसे फाइबर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पर 12% का टैक्स है, उसी तरीके से मेटल पर यहाँ पर 18% का टैक्स है और उसी तरीके से स्टोन पर यहाँ पर 15% का टैक्स है। अब आप यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर फाइबर स्टैचू है और यहाँ पर तीन तरह के स्टैचूज के आइटम है जो ये कंपनी सेल आउट करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके एचएसएन नंबर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी आइटम्स के एचएसएन नंबर यहाँ पर डिफरेंट है बट टैक्स का अमाउंट बिल्कुल सेम है। अब ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के एचएसएन नंबर यहाँ पर सेम हो सकते हैं और टैक्स अमाउंट भी यहाँ पर सेम हो सकता है, मगर इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें सभी आइटम्स के एचएसएन नंबर अलग अलग है और टैक्स बिल्कुल सेम है तो आप इसको किस तरीके से टेलीप्राइम के अंदर जीएसटी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेटल स्टैचू है और यहाँ पर भी वही तीन आइटम्स आपको दिखाई देंगे, मगर यहाँ पर भी इनका जो एचएसएन नंबर है वो यहाँ पर डिफरेंट है और टैक्स का अमाउंट बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्टोन स्टैचू मिलेगा, वही तीनों आइटम्स आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे और यहाँ पर एचएसएन नंबर आप देख सकते हैं तीनों ही डिफरेंट है और टैक्स अमाउंट यहाँ पर बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपके पास कोई कंडीशन होती है तो आप किस तरीके से टेलीप्राइम में इसकी एंट्री पास कर सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से आप जीएसटी क्लासिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं जिसमें आपको बार बार टैक्स को ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए आज मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ कि आप किस तरीके से जीएसटी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं, तो चलिए इसे प्रैक्टिकल तरह से करने के लिए हम अपनी टेली स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं अपनी टेलीप्राइम की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने वाले हैं, तो हम फटाफट यहाँ पर कंपनी का नाम दे देते हैं जीएसटी क्लासिफिकेशन। कंपनी का नाम लिखने के बाद यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे, मेलिंग नेम में आपको सेम नाम रहने देना है, एड्रेस में आपको अपनी कंपनी का एड्रेस यहाँ पर फिल कर लेना है, तो हम फटाफट यहाँ पर रैंडमली एक एड्रेस फिल कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ एंटर प्रेस करके स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, तो हम यहाँ पर दिल्ली को सिलेक्ट कर रहे हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डालना है, तो यहाँ पर अपना पिन कोड डाल लेते हैं। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आपको अपना टेलीफोन नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, तो रैंडमली हम यहाँ पर कोई भी एक नंबर फिल कर लेते हैं। नीचे की तरफ अगर आपके पास फैक्स नंबर है तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे स्किप कर रहे हैं। ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट फिल करनी है, तो यहाँ पर हम कंपनी की वेबसाइट डाल देते हैं। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर बिंग फ्रॉम आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर दोनों में ही आपको सेम डेट रहने देनी है। यहाँ पर एंटर करके नीचे आ जाइए और यहाँ पर भी आपको ओके प्रेस करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। इतना करते ही आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने जीएसटी क्लासिफिकेशन के नाम से एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से हम जीएसटी को क्लासिफिकेशन करने के लिए टैक्सेशन पार्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्सेशन में आपको यहाँ पर अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको जीएसटी को एप्लीकेबल कर लेना है। यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन टाइप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम रेगुलर को रखते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है रेगुलर SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी आपका रजिस्ट्रेशन अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है तो आप इस पे यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर रेगुलर को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको एसेस ऑफ अदर टेरिटरी को नो रखते हुए एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको अपना जीएसटी नंबर यानी आपको अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर यहाँ पर फिल करना है, तो हम यहाँ पर रेंडमली एक कंपनी जीएसटी नंबर फिल कर लेते हैं।
जीएसटी नंबर को फिल करने के बाद जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने जीएसटी R1 फाइलिंग के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसे मंथली फाइल करेंगे या फिर क्वार्टरली। तो हम यहाँ पर मंथली को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई इनवॉइसिंग एप्लीकेशन का आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा। आप इन दोनों ही ऑप्शन के बारे में समझ सकते हैं, ई वे बिल के बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। तो यहाँ पर हम एंटर करके फिलहाल यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करने वाले हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आपको एक चीज़ और दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी, यानी कि अगर आपकी बहुत सारी कंपनियाँ हैं और अलग अलग स्टेट्स के अंदर आप डील करते हैं तो यहाँ पर और भी कंपनी के जीएसटी नंबर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी के बारे में लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इन सभी ऑप्शन को समझ सकते हैं। फिलहाल हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा सेट अल्टा कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, तो इस वाले ऑप्शन को फिलहाल हम यहाँ पर नो रहने देंगे और एंटर करके या फिर कंट्रोल ए की मदद से आप इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करते ही आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे जाएगी और आपकी जीएसटी क्लासिफिकेशन के नाम से आपकी कंपनी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारे पास कोई भी वाउचर यहाँ पर क्रिएट नहीं है, हमने कोई भी वाउचर यहाँ पर अभी क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो हम सारी चीज़ें आपको एक एक करके क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमें अपना जीएसटी क्लासिफिकेशन को क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्टेटरी मास्टर्स के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी क्लासिफिकेशन आपको दोनों ही दिखाई देंगे। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर अगर आप अल्टर एग्जिटिंग पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वो डिटेल्स हमने अभी यहाँ पर फिल की हैं, ये वही ऑप्शंस हैं। तो इसे फिलहाल हम यहाँ पर स्कैप करके बाहर आने वाले हैं। तो यहाँ से हम जीएसटी क्लासिफिकेशन को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने जीएसटी क्लासिफिकेशन क्रिएशन के नाम से एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हम अपनी डिटेल्स को ऐड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी का नाम डालना है, तो हम आ जाते हैं अपने एमएस वर्ड पर और यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं फाइबर स्टैचू। यहाँ पर फाइबर स्टैचू लिखने के बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं HSN और SAC रिलेटेड डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम HSN डिटेल फिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो भी आइटम्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी आइटम्स के HSN नंबर यहाँ पर डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर हम HSN डिटेल फिल नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जाकर के इसे नॉट डिफाइन पर क्लिक करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं स्पेसिफाई डिटेल हेयर वाले ऑप्शन को और यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे। अब इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर टैक्सेबिलिटी टाइप्स आपको दिखाई देगा और चार तरीके के आपके सामने टैक्सेबिलिटी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। सबसे पहले आप देख सकते हैं सबसे पहला जो टैक्सेबिलिटी है वो है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब है कर मुक्त, यानी कि वो आइटम जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स ना लगा हो, जो कर से मुक्त हो, यानी जो टैक्स से मुक्त हो। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा जो हमारा टैक्स है वो निल रेटेड है, यानी कि वो टैक्सेस जिसके ऊपर कोई भी टैक्स ना लगता हो, जैसे आपका वाटर वगैरह हो गया, तो पानी के ऊपर किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं होता। तो यहाँ पर अगर आपका आइटम इस तरीके का है तो यहाँ पर निल रेटेड टैक्स को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका नेक्स्ट ऑप्शन है नॉन जीएसटी। नॉन जीएसटी का मतलब होता है वो सभी आइटम्स जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ना हो, जैसे आपका पेट्रोल या फिर डीजल। हमारे केस में हमारे आइटम के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो हम यहाँ पर टैक्सेबल को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपका जो टैक्सेबिलिटी टाइप है, यानी कितना परसेंट का टैक्स यहाँ पर लग रहा है, उतना परसेंट आप यहाँ पर टाइप करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइबर के ऊपर यहाँ पर 12% का टैक्स है, तो दोस्तों हम यहाँ पर 12% का टैक्स यहाँ पर फिल करेंगे, इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको केवल 12% ही दिखाई दे रहा है, यानी आपको केवल IGST यहाँ पर दिखाई दे रही है, बाकी टैक्स के जितने टाइप्स हैं यानी CGST और SGST आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F12 और F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोवाइड ब्रेकअप ऑफ टैक्स रेट। इसको अगर आप यहाँ पर येस कर देते हैं और कंट्रोल ए की मदद से इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर IGST रेट 12% है और CGST और SGST के साथ UTGST रेट जो है वो 6% आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर CGST और SGST को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। सेस वैल्यूएशन टाइप के अंदर यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। मैं आपको फिर भी एक बार बता देना चाहूंगा कि सेस एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों सेस एक ऐसा टैक्स होता है जो कि टैक्स के ऊपर लगाया जाता, यानी आइटम के ऊपर या आइटम की वैल्यू के ऊपर इसका कोई भी टैक्स नहीं होता। जितना भी टैक्स अमाउंट होता है, जैसे कि 12% के ऊपर हमारा जो भी टैक्स अमाउंट बनेगा उसके ऊपर सेस को लगाया जाता है, जो कि मोस्टली एजुकेशन और हेल्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो बनाकर दे दूंगा,
तो फिलहाल हम इसे यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पहली कैटेगरी हमने यहाँ पर तैयार कर ली है। अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो दूसरी कैटेगरी है वो है मेटल। तो हम यहाँ पर मेटल की कैटेगरी बनाने वाले हैं। टैली पर आने के बाद यहाँ पर हमने टाइप कर लिया मेटल स्टैचू और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर नॉट डिफाइन करने वाले हैं। अगर आपका HSN नंबर सभी के लिए सेम है तो यहाँ पर आप स्पेसिफाई डिटेल हेयर को सिलेक्ट करते हुए HSN नंबर और उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर फिल कर सकते हैं। हमारे केस में जो HSN नंबर है वो बिल्कुल डिफरेंट है तो यहाँ पर हम फिलहाल इसे नॉट डिफाइन करेंगे। यहाँ से हम स्पेसिफाई डिटेल हेयर को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर टैक्सेबल को सिलेक्ट करते हुए अपना टैक्स परसेंटेज यहाँ पर टाइप करेंगे। तो इसके ऊपर जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 18% है। तो यहाँ पर हम 18% डालते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टोन के ऊपर यहाँ पर 15% है तो फटाफट हम इसे भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। टैली में आने के बाद यहाँ पर हमने स्टोन स्टैचू फिल किया नॉट एप्लीकेबल रखते हुए, यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हेयर को रखते हुए टैक्सेबल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर हम 15% डालते हुए यहाँ पर एंटर करके से यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखते हुए यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने GST क्लासिफिकेशन कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आइटम्स की तरफ। अब यहाँ से स्कैप करते हुए हम यहाँ पर बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक आइटम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको अपने आइटम की डिटेल फिल करनी है। तो फटाफट हम यहाँ पर अपने आइटम्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइबर स्टैचू के अंदर सबसे पहला आपका जो आइटम है वो यहाँ पर गॉड स्टैचू है। तो इसे यहाँ पर हम कॉपी करेंगे और टैली में आकर के यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर स्टैचू के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं जो कि आपके इनवॉइस के ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा। तो फिलहाल हम इसे यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसे एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको अंडर ऑफ देना है। तो यहाँ पर हम क्रिएट पर जाएंगे और क्रिएट को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर इसका ग्रुप तैयार कर लेंगे। तो हमारा जो ग्रुप है वो यहाँ पर फाइबर है, तो फाइबर को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, इसे अंडर ऑफ प्राइमरी देते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे फिर से वही डिटेल्स मांगी जा रही है, क्या आप यहाँ पर अपने HSN नंबर को फिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों फाइबर का हमारा पूरा ग्रुप है और फाइबर के अंदर हमारे पास 3 आइटम्स हैं और तीनों ही आइटम्स के अलग अलग HSN नंबर हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको फिल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप को रखते हुए यहाँ पर इसे एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बाकी के 3 ऑप्शन के बारे में मैं वीडियोस बना चुका हूँ। लास्ट GST क्लासिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है जिसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हम GST क्लासिफिकेशन को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर फाइबर का ग्रुप तैयार कर रहे हैं और फाइबर के ऊपर हमारा जो भी GST है, जो भी हमने GST को क्लासीफाई किया है वो हमने यहाँ पर फाइबर स्टैचू पर किया है। तो हम यहाँ पर फाइबर स्टैचू को सेलेक्ट करते हुए जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइबर स्टैचू के ऊपर हमारा कितना परसेंट का टैक्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। 12% आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है IGST, 6% का आपको दिखाई दे रहा है CGST और 6% का आपका SGST के साथ UTGST आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें GST को यहाँ पर फिल करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने यहाँ से जो भी क्लासिफिकेशन ऐड किया था उसे सेलेक्ट करते हुए जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। तो दोस्तों HSN नंबर अगर आपका तीनों ही आइटम्स के लिए सेम होता तो यहाँ पर आप इसी तरीके से इसको भी डिफाइन कर सकते थे और ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। कैटेगरी के अंदर यहाँ पर अगर आप चाहें तो कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, फिलहाल हम इसे स्किप कर रहे हैं। यहाँ पर यूनिट सेलेक्ट करते हैं, तो यूनिट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाकर के एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर यूनिट टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया नोज टाइप करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर फॉर्मल नेम में अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर फिल कर देते हैं नंबर्स और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यूनिट क्वांटिटी कोड को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर जैसे हम एंड टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको नोज में नंबर्स दिखाई देगा, इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में आपको फिलहाल यहाँ पर 0 रखते हुए एंटर प्रेस करना है और इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटरी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी। GST एप्लीकेबिलिटी को आपको यहाँ पर एप्लीकेबल रखते हुए एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर हमारा जो गॉड स्टैचू है वो यहाँ पर फाइबर में है,
नोज में मिलता है, जिसके अंदर टैक्स अमाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं 12% आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको उसका HSN नंबर और उसकी आइटम की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डालनी है, तो हम यहाँ पर HSN नंबर टाइप कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गॉड स्टैचू का यहाँ पर HSN नंबर हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है और यहाँ पर आकर के इसे टाइप कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर जो भी टाइप करना चाहें कर सकते हैं, यानी अपनी आइटम के बारे में जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं गॉड शिवा और उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आपको एंटर करके गुड्स रखते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला आइटम हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे आइटम को भी यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ से ले लिया डेकोरेटिव वाले आइटम्स को, टैली में आने के बाद यहाँ पर डेकोरेटिव को हमने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और यहाँ पर फाइबर को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। कैटेगरी में यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से नोज को सेलेक्ट करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसका HSN नंबर फिल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमने इसका HSN नंबर कॉपी कर लिया है, यहाँ पर इसको फिल कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। आइटम की डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं होम डेकोरेटिव आइटम, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर भी आपको एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप रखते हुए एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरीके से हम तीसरे वाले आइटम को क्रिएट करते हैं। तीसरा आइटम है यहाँ पर ब्राइडल एंट्री पालकी, तो हम यहाँ पर ब्राइडल एंट्री पालकी को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर फाइबर को सेलेक्ट करेंगे, नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, नोज को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको इसका HSN नंबर टाइप कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से हमने इसका HSN नंबर कॉपी किया, यहाँ पर इसको हमने पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस किया, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। वेडिंग आइटम डालते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप को रखते हुए यहाँ पर गुड को सिलेक्ट करते हुए इसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने फाइबर स्टैचू के सभी आइटम्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। अब इसी तरीके से हम मेटल स्टैचू और स्टोन स्टैचू के सभी आइटम्स को यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर तीनों ही आइटम्स को यहाँ पर सेम रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये सेम आइटम को कभी भी टैली एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इन सभी में हम कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेते हैं। जैसे मेटल को हमने नाम दे दिया ए और यहां पर इसे नाम दे दिया हमने बी और यहां पर हमने इसे नाम दे दिया सी। इसी तरीके से यहां पर हम इसे नाम दे देते हैं डी और यहां पर नाम दे दिया हमने ई और यहां पर हमने नाम दे दिया एफ। तो दोस्तों इस तरीके से आपको आइटम नेम डिफरेंट रखने हैं, क्योंकि टैली कभी भी सेम नाम को एक्सेप्ट नहीं करता, आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करनी होती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाने के लिए तीनों ही आइटम्स के नाम यहाँ पर सेम रखे थे। तो अब हम यहाँ पर फटाफट इस आइटम्स को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं गॉड स्टैचू को। यहाँ से आपको गॉड स्टैचू ए सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है, नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आप अपना वापस से एक ग्रुप क्रिएट करिए। तो क्रिएट वाले सेक्शन पे जाकर के हम वापस से एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम अपने ग्रुप का नाम दे देते हैं जो है मेटल। मेटल को देते हुए यहां पर एंटर प्रेस करते हुए प्राइमरी में रखते हुए हम यहां पर एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर आपको ध्यान रखना है एक ऑप्शन को यहां पर जरूर यस करा लेना है, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिट। तो यहां पर इस वाले ऑप्शन को आपको यस करा लेना है ताकि आपके जो भी क्वांटिटीज हो वो यहां पर ऑटोमेटिकली एड हो जाए। तो यहां पर फिलहाल हमें एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप को रखते हुए यहां पर एंटर प्रेस करना है, जीएसटी क्लासिफिकेशन को यहां पर सेलेक्ट करना है, मेटल स्टैचू को यहां पर सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरीके से आपको कैटेगरी को यहां पर नॉट एप्लीकेबल रखना है, यहां पर नोज को सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको अपना HSN नंबर डिफाइन करना है। उसके लिए स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को सेलेक्ट करते हुए आपको यहां पर एंटर प्रेस करना है, इसका HSN नंबर डालना है। तो हमने यहां से HSN नंबर कॉपी कर लिया है और यहां पर HSN नंबर को फिल करते हुए हम यहां पर एंटर प्रेस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम इसका डिस्क्रिप्शन टाइप कर लेते हैं, गॉड शिवा, गॉड शिवा रखते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर हम इसे उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से फटाफट हम सभी आइटम्स को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। दोस्तों मेटल के हमने तीनों आइटम्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। अब हमारा लास्ट जो बचता है वो स्टोन स्टैचू है, तो हम फटाफट स्टोन के भी सभी आइटम्स को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आइटम का नाम डाला, यहाँ पर आपको वापस से एक और कैटेगरी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर हम ग्रुप को क्रिएट करने के लिए क्रिएट वाले ऑप्शन पर वापस से जाएंगे और यहाँ पर स्टोन लिखते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिट को यहाँ पर यस करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर आपको एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है, यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है, स्टोन स्टैचू को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 15% का जो टैक्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इसे आप यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, नॉट एप्लीकेबल रखते हुए यहाँ पर नोज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को सिलेक्ट करते हुए इसका HSN नंबर फटाफट टाइप कर लेना है। तो हम यहाँ से HSN नंबर डालते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, डिस्क्रिप्शन फिल कर लेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर गुड्स को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर करके इसे सेव कर देंगे। तो बाकी के दो आइटम्स भी हम फटाफट यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमारे आइटम्स और ग्रुप यहां पर टोटली क्रिएट कर दिए गए हैं। अब हम यहां से स्कैप करके बाहर आने वाले हैं।
बाहर आने के बाद एंट्री पास करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे वाउचर्स के अंदर और यहाँ पर हमें प्रेस करना है F8। F8 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स के नाम से हमारे पास सेल वाउचर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले हमें पार्टी का नेम क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पर ऑल्ट सी की मदद से एक लेजर क्रिएट करते हैं पार्टी का। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए टाइप कर देते हैं मोहन इंडस्ट्रीज और उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से इसे सेंडी डेबिटर रखते हुए एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर एंटर करके आप इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन टाइप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी पार्टी का, तो आपकी पार्टी का कौन सा रजिस्ट्रेशन टाइप है आप यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर शो मोर पर क्लिक करते हैं तो बाकी के और भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन टाइप आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसे रेगुलर को रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको मोहन इंडस्ट्रीज की कंपनी का GST नंबर फिल करना है, तो रैंडमली हम यहाँ पर एक GST नंबर फिल कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा सेट अल्टर एडिशनल GST डिटेल का। अगर आप इसे यहाँ पर यस करते हुए एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिशनल GST डिटेल्स के अंदर सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ आउटवर्ड्स, यानी कहाँ से गुड्स हमारा जा रहा है, तो हम यहाँ से दिल्ली को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इज द पार्टी ऑफ ट्रांसपोर्टर, क्या आपकी जो पार्टी है वो ट्रांसपोर्टर है, तो आप यहाँ पर चाहें तो इसे यस कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे नो करते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपनी डिस्पैच डिटेल चाहें तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे यहाँ पर स्किप करते हुए कंट्रोल ए की मदद से इसे सेव करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टी डिटेल आपको यहाँ पर पूरी दिखाई देगी, यहाँ पर भी हम कंट्रोल ए की मदद से इसे यहाँ पर सेव करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल लेजर आपसे मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है और यहाँ पर हम सेल्स का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं और इसके बाद अंडर ऑफिसर डाल देंगे सेल्स अकाउंट के। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपको दिखाई देगा टाइप ऑफ लेजर का, तो यहाँ पर आपको फिलहाल नॉट एप्लीकेबल रखना है क्योंकि हमारा जो सेल का लेजर है वो ना तो कोई डिस्काउंट है और ना ही कोई इनवॉइस राउंडिंग है, तो फिलहाल हम इसे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर फिल से स्टेचरी डिटेल्स आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है, तो फिलहाल हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर GST एप्लीकेबिलिटी के अंदर यहाँ पर आपको इसे एप्लीकेबल रखते हुए एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं HSN रिलेटेड डिटेल आपको यहाँ पर फिल से मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर फिलहाल हमें कुछ भी फिल करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। हम यहाँ पर इसे एज पर कंपनी ग्रुप रखते हुए यहाँ पर इसे एंटर करके गुड्स को रखते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं नेम ऑफ आइटम की डिटेल आपको यहाँ पर मांगी जा रही है, तो यहाँ पर आइटम्स को शो करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है स्पेस। जैसे ही आप यहाँ पर स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जितने भी आइटम्स यहाँ पर बनाए थे वो सभी आइटम्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो हम एक एक करके सभी आइटम्स को और उसका प्राइस यहाँ पर फिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहला आइटम ले लेते हैं, तो यहाँ पर ब्राइडल एंट्री पालकी को हम सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर इसकी क्वांटिटी डालते हैं, मान लीजिए हमने 10 पीस यहाँ पर डाला और उसके बाद एंटर प्रेस किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल हमें यहाँ पर नेगेटिव स्टॉक दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी स्टॉक नहीं है, तो यहाँ पर हम इसे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको रेट डाल देना है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 250 रुपीज़ पर आइटम और उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आपको एज पर मास्टर कंपनी को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं HSN और SEC डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है, तो यहाँ पर भी आपको एज पर मास्टर और कंपनी को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। अगर आप यहाँ पर चेंजेस करना चाहें तो आप आसानी से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने सभी सेटिंग्स यहाँ पर कर रखी हैं, हमने यहाँ पर HSN को भी डिफाइन कर रखा है, हमने यहाँ पर टैक्स को भी डिफाइन कर रखा है, तो हमें यहाँ पर एज पर मास्टर्स और कंपनी को सेलेक्ट करते हुए केवल एंटर प्रेस करना है और इसके बाद यहाँ पर हम बाकी के आइटम्स को फटाफट यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सभी आइटम्स यहाँ पर ले लिए हैं 10-10 की क्वांटिटी में, हमने अलग अलग रेट्स के हिसाब से हमने सभी आइटम्स यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। टोटल अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं 22,700 रुपये का टोटल अमाउंट आ रहा है। अगर आपको और भी आइटम्स यहाँ पर ऐड करना है तो यहाँ पर स्पेस की मदद से और भी आइटम्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर सभी आइटम्स को ऐड कर लिया है और अब हमें यहाँ पर GST एप्लीकेबल करना है, यानी GST लगाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट को सेलेक्ट करते हुए एक बार एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर नीचे स्पेस करते हुए नीचे की तरफ जंप कर जाएंगे और यहाँ से हमें एक लेजर क्रिएट करना होगा CGST और SGST का। तो यहाँ से हम क्रिएट वाले सेक्शन को सिलेक्ट करते हुए यानी क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको एक लेजर क्रिएट करना है लाइक CGST। एंटर प्रेस करते हुए हम यहाँ पर अंडर ऑफिसर डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के और उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स के अंदर GST को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है।
CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए हम यहाँ पर CGST को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन के अंदर आपको यहाँ पर कोई भी परसेंट फिल नहीं करनी है, क्योंकि हमारे तीन आइटम्स हैं और तीनों ही आइटम्स पे अलग अलग GST रेट्स हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर फिलहाल जीरो रखते हुए इसे एंटर प्रेस करते हुए राउंडिंग मेथड्स को यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करते हुए आप इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा CGST यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर वापस से Alt-C की मदद से एक नया लेजर क्रिएट करेंगे SGST या फिर UT GST के नाम से, और उसके बाद इसको अंडर ऑफ डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ से GST को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको SGST और UT GST को सिलेक्ट करते हुए आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। ध्यान रहे, अगर आपका स्टेट UT GST यानी यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है तो आप यहाँ पर केवल UT GST लिख सकते हैं, और अगर आपका स्टेट UT GST यानी यूनियन टेरिटरी के अंदर नहीं आता तो आपको यहाँ पर केवल SGST लिखना होगा। तो एग्जाम्पल के लिए हमने दोनों को ही यहाँ पर लिख दिया है। हम यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CGST और SGST हमारा यहाँ पर दोनों ही आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको एंटर करके इस एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर न्यू रेफरेंस रखते हुए हम इस एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर नरेशन लिखना चाहें तो नरेशन आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फिलहाल हम नरेशन को स्किप करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो एंट्री है वो यहाँ पर पास हो चुकी है। अब मैं आपको इसका इनवॉइस दिखाता हूँ। स्कैप करके हम लोग बाहर आएंगे और यहाँ से हम दो बार डी प्रेस करेंगे ताकि हमारे सामने यहाँ से डे बुक ओपन हो जाए। डे बुक ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स की जो हमने ट्रांजेक्शन की है वो आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन दिखाई देगी। आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट के साथ पी। ऑल्ट के साथ जैसे आप यहाँ पर पी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा करंट का एक ऑप्शन। करंट को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स इनवॉइस में आपको प्रिंटर में हमारा जो प्रिंटर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हमने HP का यहाँ पर प्रिंटर अटैच कर रखा है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपके केस में जो भी प्रिंटर आपकी कंपनी में अटैच होगा वो प्रिंटर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। प्रिंट पर क्लिक करते ही आपका जो इनवॉइस है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। कॉन्फिगर पर क्लिक करके आप अपने प्रिंट की सेटिंग्स यहाँ पर कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिलहाल हम इसमें कोई भी छिड़खानी नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर प्रीव्यू करके आपको इसका इनवॉइस दिखाने वाले हैं, तो हम प्रीव्यू वाले पार्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टैक्स इनवॉइस यहाँ पर जनरेट हो चुका है। जितने भी आइटम्स हमने यहाँ पर लिए थे वो सभी आइटम्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसे चाहें तो ऑल्ट के साथ जेड करके आप इसे जूम करके आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा जो टैक्स था वो यहाँ पर किस तरीके से क्लासिफाइड हुआ है। तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक और पेज आपको दिखाई देगा टैक्स इनवॉइस का। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सारे HSN नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, किसके ऊपर कितना परसेंट रेट लगा है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। CGST कितना लगा है, SGST और UT GST कितना लगा है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना बना है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसे स्कैप करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो बिल बना है वो यहाँ पर दो पेजेस का बना है। Page 1 of 2 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने कीबोर्ड से पेज डाउन को इस्तेमाल करते हैं यानी पेज डाउन का बटन यहाँ पर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा पेज आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और पेज अप की मदद से आप पहले वाले पेज को यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने टेलीप्राइम के अंदर GST क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।